Hello, assalamu alaikum. Is my voice clear? You can write in the chat if you everyone can hear me correctly. Am I audible to everyone? Hello. So, hello, assalamu alaikum everyone. My name is Sayyid Muhammad Abu Atiq. You guys can call me Atiq. I am the DSC lead for Google Students Club, Developer Students Club for this year. And today we have this collaboration, great collaboration with the Department of Electrical Engineering at DHS Uffa University. All thanks to the HOD, the Dr. Salman Zafar, and Sir Haris, जिन्होंने हमारी बात सुनी. And this event is about why you should learn programming and start freelancing. We have this great collaboration. Teachers are with us, and all students from electrical engineering are welcome there. So there is so हमारा इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है. मैं यहाँ पे डीएससी लीड हूँ. आई हैव टू ग्रेट कोर टीम मेंबर्स. वन इज तरुण कुमार एंड नेक्स्ट इज बाहुल बलोच. हमारा इवेंट स्टार्ट होगा. पहले हम लोग आपको स्लाइड में बताएंगे कि हमें कैसे करना है, कैसे फ्रीलांसिंग करनी है, कैसे स्किल्स सीखनी है. उसके बाद जो है हमें इन दी एंड हम लोग उसमें क्वेश्चन आंसर सीरीज भी रखेंगे कि सवालात के आप लोग के सवालात क्या हैं, जवाब क्या है. ठीक है. तो बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है कि डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब है क्या. तो बेसिकली दिस इज अ क्लब ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी जो इसमें जो पावर्ड बाय गूगल है. इसके अंदर इसका मेन मिशन होता है कि हम लोग जो इनोवेटिव माइंड्स हैं, जैसे कि और इसमें कोई बैरियर नहीं है. वेदर यू बिलोंग फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, वेदर इट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू 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 डोंट हैव दिस थिंग के आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है. इट्स फॉर एवरीवन. और ये पहली बार हमारे डीएचएस यूनिवर्सिटी के अंदर आया है. और इसके अंदर हम लोगों का मेन मिशन लोगों को यही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ मोटिवेट करें और इनको फ्रीलांसिंग सिखाएं. इस साल के लिए जो डीएससी लीड सेलेक्ट हुआ है वो मैं हूँ. और हमारा मेन मिशन है कि हम लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाएं. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे सिखाएं? हम लोगों को फ्रंट एंड पर फ्लटर सिखाएंगे, बैक एंड पर पाइथन और जेंगो सिखाएंगे. और इससे जो है हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कल्चर जो है प्रमोट करेंगे. नेक्स्ट प्लीज. तो बेसिकली व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग है क्या चीज़? फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप घर बैठ के, अगर आप अपने ज़िंदगी के 5-6 महीने कोई स्किल सीख लें, कोई भी स्किल हो. हम लोग यहाँ पे गूगल की बात कर रहे हैं, गूगल के फ्लटर टेक्नोलॉजी और भी टेक्नोलॉजी है. आपको सिर्फ अपने जो है 2-3 महीने 4 महीने एक स्किल पे लगाना है कंप्लीट फोकस के साथ. आपने स्किल सीख ली है. स्किल सीखने के बाद आप उस स्किल को फ्रीलांस कर सकते हैं. यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन डॉलर्स जस्ट बाय सिटिंग एट योर होम एंड राइटिंग कोड. इससे क्या हो सकता है कि आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं. आपने 9 to 5 जॉब रख कर रहे हैं, आप अपनी जॉब की, जॉब के बाद आप घर वापस आए एंड यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग. और इससे आप अपने डेट भी रिटर्न कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो सेव इट फॉर योर रेनी डेज, राइट. एंड इट्स द थिंग एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट फ्रीलांसिंग इट्स के इट्स अफोर्डेबल. आपको इसके लिए कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे किसी फ्रीलांसिंग मार्केट में जाने के लिए. कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी. आपको स्किल सीखनी है, आपको अकाउंट बनाना है एंड यू रेडी टू गो. आप जितना जल्दी चाहें स्टार्ट कर सकते हैं. यू हैव टू स्टार्ट पिचिंग योर आइडियाज़ टू द क्लाइंट और यू कैन गेट पेड फ्रॉम द क्लाइंट. और फ्रीलांसिंग के अंदर नेक्स्ट प्लीज. तो इट्स अ वेरी इट प्रोवाइड ग्रेट इंडिपेंडेंस एंड एवरीथिंग. तो फ्रीलांसिंग इज द फ्यूचर. इट मेक्स यू अ सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन. अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपके पास एक दूसरा फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम भी है कि आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं. और व्हाई इट इज अ बिग थिंग इन पाकिस्तान, बिकॉज के जो इसके करेंसी है इट्स इन डॉलर्स एंड व्हेन यू गेट पेड इन डॉलर्स एंड द कन्वर्जन रेट कम्स इन पाकिस्तान, तो इससे हमारे मुल्क का भी बड़ा फायदा है. इससे हमारे मुल्क का भी बहुत फायदा है. इससे हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो रही है और हमारे लोग जो है फाइनेंशियल स्टेबल ज़्यादा हो रहे हैं. सो हाउ डू वी स्टार्ट? कैसे हम लोग को स्टार्ट करना है? और इसके अंदर हमारे पास है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं. बेसिकली देयर आर वेबसाइट्स, इनके ऐप्स भी होते हैं. द नंबर वन इज फाइवर, द नेक्स्ट इज अपवर्क और फ्रीलांसर. सो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, लेकिन वी विल पहले हम अभी हम लोग आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इन प्लेटफॉर्म से, फाइवर अपवर्क फ्रीलांसर. नेक्स्ट हम अब इन डिटेल्स आपको तरुण और बहावल एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ कैसे जो है हमें आगे चलना है.
कैन यू मूव टू नेक्स्ट? या सो अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है कि क्या वाकई में चीज़, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है कि पीपल डोंट एक्चुअली नो अबाउट इट, कि अगर आप किसी से बोलें कि दिस गाय इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और ये ऑनलाइन पैसे कमाता है, तो वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मतलब दे डोंट गेट इट. तो एक एग्जाम्पल है, दिस गाय नेम जेम नाइट हु वॉज अ ग्रेट प्रोग्रामर एट गूगल एंड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ही यूज. सो व्हेन यू वर्क इन गूगल यू ऑलरेडी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट? लेकिन द थिंग इज यू आर बॉर्न टू अ कंपनी, यू हैव टू आंसर समवन. बट इन फ्रीलांसिंग यू डोंट हैव टू आंसर समवन, आप अपनी मर्जी से जब चाहें स्टार्ट कर सकते हैं. ही क्विटेड गूगल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड नाउ ही मेक्स 100,000 रुपीज एन आवर, $100,000 इन आवर. तो ओ सॉरी, लेट मी करेक्ट दैट, $1,000 एन आवर एज अ फ्रीलांस डेवलपर. सो व्हेन यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू कैन स्टार्ट व्हेनेवर यू वांट. इन पाकिस्तान व्हाट पीपल डू के वो लोग रात के वक्त जो है, क्योंकि टाइमिंग मैच होती है, तो उस वक्त हमारी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और लोग काम करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल तरुण एंड ही विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू द लेटर पार्ट. राइट, थैंक यू अतीक। अच्छा तो जैसे अतीक ने एक्सप्लेन किया था वेरी वेल कि भाई वी आर लिविंग इन अ एनवायरनमेंट, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे काम काफ़ी ज़्यादा है, काम करने वाले लोग कम है। तो देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एनी वन कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग एंड दे कैन स्टार्ट अर्निंग ऑन देयर ओन, दे कैन गो ऑन अ पाथ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, एक फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पे, बंदे स्टेबिलिटी पे आ सकते हैं। ठीक, तो तीन प्लेटफॉर्म्स का नाम लिया था अतीक ने, फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर। फाइवर और अपवर्क का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आई वुड बी स्पीकिंग ऑन इट राइट नाउ। अच्छा तो फाइवर आई वुड से कि इजिएस्ट टू स्टार्ट है, मतलब इस पे आपके पास ना कोई रेगुलेशंस होती हैं, ना आपके पास कोई कोई एज सच कोई फीस होती है, कोई बैरियर टू एंट्री नहीं होता। तो इट इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर एनी वन टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। फ्री टू यूज़ है, आपको कुछ पे नहीं करना अपवर्क को, या आई मीन फाइवर को कुछ पे नहीं करना, या कोई फीस नहीं है, या कोई रेगुलेटरी कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं निकालना स्टार्ट करने के लिए कि भाई आपको कुछ पैसे देने हो या कुछ भी। बट ऑल यू नीड इज स्किल, वेरिफिकेशन नहीं है कोई भी। अच्छा तो द सिस्टम दैट फाइवर फॉलोज इज अ गिग सिस्टम। गिग सिस्टम आई वुड से कि सबसे ज़्यादा अगर इसका फेमिलियर मॉडल देखें तो ये सैलॉन्स वगैरह होते हैं, या कोई भी सेल्समैन अगर होता है या सर्विसमैन होता है, तो वो क्या करता है कि उसके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं कि भाई आई विल प्रोवाइड दिस सर्विस, आई विल प्रोवाइड दिस सर्विस, आई विल प्रोवाइड दिस सर्विस फॉर दिस मच। और विद इन दो सर्विसेज दे आर पैकेजेस कि भाई अगर आपको और भी अच्छी चीज़ चाहिए, और अच्छी चीज़ चाहिए, तो आप किस हिसाब से आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग अ सिंपल जॉब फॉर $5, ठीक है, और इस जॉब में मैं डिफरेंट टीयर्स उनको दे रहा हूँ कि भाई फॉर Tier 1 आई विल क्रिएटिंग अ वेबसाइट, फॉर Tier 2 आई विल इंटीग्रेटिंग इट विद डेटा बेस, और Tier 3 आई विल क्रिएट अ कम्प्लीट फुल स्टैक नोड जेएस वेबसाइट वगैरह। तो गिग सिस्टम फाइवर फॉलो करते हैं। इसके कुछ मसले ये हैं कि इट इज़ नॉट द बेस्ट मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स, बट अगर आपको स्टार्ट करना है तो फाइवर इज द बेस्ट मॉडल राइट नाउ। अच्छा तो अब होता क्या है कि यूजुअली आप मतलब आपके पास वो लोग आते हैं कि भाई आई वॉन्ट टू बाई दिस गिग, आई वॉन्ट टू बाई दिस गिग, लेकिन कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि यूजुअली पीपल डोंट हैव टाइम टू स्टार्ट सर्चिंग एवरीवेयर। तो लोग क्या करते हैं कि दे क्रिएट अ बायर रिक्वेस्ट। अब बायर रिक्वेस्ट क्या होता है कि भाई सपोज करें कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, कोई सर्विस खरीदनी है, आई एम इंटरेस्टेड इन रिनोवेटिंग माई रूम, तो मैं क्या कर दूंगा, एक उनके प्लेटफॉर्म पे, फाइवर के प्लेटफॉर्म में अपना बायर रिक्वेस्ट डाल दूंगा कि आई वॉन्ट दिस दिस दिस, ठीक है। तो फ्रीलांसर्स मतलब आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन सेंड देम ऑफर्स कि भाई मैं आपके ये जॉब इतने में कर दूंगा, आई एम दिस मच स्किल्ड। तो मतलब आपके ऑफर्स होते हैं, एक बिडिंग किस्म का तरीका होता है कि भाई बिड कर रहे हैं वो बंदा, आप सपोज करें मैं किसको चूज कर रहा हूँ बेस्ड ऑन स्किल्स, बेस्ड ऑन फाइनेंसिस, बेस्ड ऑन मेरी बजट क्या है, बेस्ड ऑन मुझे क्या चाहिए, वो क्या ऑफर कर रहे हैं। दिस इज हाउ फाइवर वर्क्स। अच्छा फाइवर का फायदा ये है कि बायर रिक्वेस्ट को बिडिंग करने पे कुछ लिमिट नहीं है, मतलब स्पैम ऑफ कोर्स होता है कि ऐसा नहीं है कि भाई धड़ाधड़ कर दें सबको, बट कोई लिमिट नहीं होती कि आपके पैसे नहीं जा रहे करने में। तो इसीलिए ये ज़्यादा बेहतर मॉडल है कि भाई इस पे फाइवर से स्टार्ट किया जाए। अच्छा अब फ्रीलांसर्स आप जब इनिशियली स्टार्ट करेंगे तो यू वॉन्ट हैव एनी लेवल्स, आप बिल्कुल नए फ्रीलांसर्स होंगे। अब जैसे इवेंचुअली यू स्टार्ट अर्निंग मनी एंड इवेंचुअली यू स्टार्ट मेकिंग ऑर्डर्स, जैसे ही कुछ टीयर्स होते हैं कि भाई मैंने 10 ऑर्डर्स कर लिया, 50 ऑर्डर्स कर लिए, और
इट्स अ टोटल 5 रेटिंग, मेरा रिस्पॉन्स आर 1 आर है, मतलब मैं लोगों को 1 घंटे में जवाब दे देता हूँ, और उसके अलावा मैंने इतने कमा लिए, $1,000 और समथिंग मैंने कमा लिए हैं। तो दिस इज अ लेवल बेस्ड रैंकिंग, तो लेवल 1 पे भाई मैंने तो बंदों को दिखेगा क्रेडिबिलिटी है कि मैं लेवल 1 सेलर हूँ, लेवल 2 सेलर हूँ, लेवल 3 सेलर हूँ, एंड देन देयर इज टॉप रेटेड सेलर्स एज वेल। टॉप रेटेड सेलर्स वो लोग होते हैं जो मतलब इन्होंने मतलब कम से कम 100 100,000 डॉलर्स वगैरह कुछ $100,000 कमाए हैं उन्होंने। ठीक, दिस इज द लेवल बेस्ड रैंकिंग दैट फाइवर फॉलोस। अब अपवर्क पे आते हैं। अच्छा सॉरी, अपवर्क से पहले टाइप्स ऑफ जॉब्स जो फाइवर पे होती हैं, देर आर 2 काइंड्स ऑफ जॉब्स, देर इज प्रोजेक्ट बेस्ड एंड माइलस्टोन बेस्ड। प्रोजेक्ट बेस्ड ये होता है कि यार मेरी गाड़ी खराब है, गाड़ी में जो भी मसले हैं मुझे सारी फिक्स करके, दैट इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड। माइलस्टोन बेस्ड ये होता है कि भाई मेरी गाड़ी में कार्बोरेटर खराब है, हाइड्रेटर खराब है, और सॉरी रेडिएटर खराब है, और कुछ भी क्लच वगैरह का कोई मसला है, तो फॉर ईच सेपरेट इंडिविजुअल मॉड्यूल मैं फिक्स करने के आपके इतने इतने पैसे लूंगा, फॉर एग्जाम्पल, तो दैट इज माइलस्टोन बेस्ड। अब माइलस्टोन बेस्ड में कुछ फायदे, माइलस्टोन बेस्ड के अलग होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड के अलग होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज रिसर्च अ बिट अबाउट इट, ताकि प्रॉपर आपको प्रेफरेंस समझ आए कि क्या मुझे सही लगता है मॉडल। राइट, अब अपवर्क पे आते हैं। अपवर्क इज अ बिट मोर एडवांस्ड एंड बिट मोर कॉम्प्लेक्स टू यूज एज कम्पेयर टू फाइवर। क्यों? क्योंकि देर इज अ लार्ज बैरियर टू एंट्री इन अपवर्क। आपका अकाउंट अप्रूवल के लिए अलग एक टीम होती है अपवर्क की, और आपका CNIC चेक किया जाता है, आपकी टैक्स फॉर्म्स चेक किए जाते हैं कि भाई जो बंदा आ रहा है अपनी सर्विसेज दे रहा है, इज ही टैलेंटेड, इज ही स्किल्ड, डज ही हैव द प्रॉपर सर्टिफिकेशन ऑफ द स्टफ ही क्लेम्स टू नो अबाउट। तो ऑफ कोर्स इसके साथ साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो मैं आपका अगर एग्जांपल दूं, तो मैंने जो फाइवर से जब स्टार्ट किया था, तो आई वुड बी अर्निंग $25 फॉर अ जॉब। अब मैं सेम जॉब अगर मैं वहाँ पे करता हूँ, अपवर्क पे करता हूँ, द मिनिमम इज $80 टू $100 सेम जॉब के लिए। बस ये होता है कि वहाँ पे आई वेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस आई गेन फ्रॉम फाइवर टू अपवर्क, तो एक तो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मोर कॉम्प्लेक्स कंट्री है, तो ऐसे भी है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो सिर्फ आप चीते नहीं होते, 100 चीते और भी होते हैं। इट इज़ हाईली रेगुलेटेड और काफ़ी रिफाइंड है। हाईली रेगुलेटेड ऐसे कि भाई यार आपकी प्रॉपर वेबकैम बेस्ड वेरिफिकेशन होती है, आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद यू हैव टू प्रूव दैट यू आर, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अकाउंट बनाता हूँ तरुण कुमार के नाम से, तो आपको CNIC वगैरह दिखाना होता है कि दिस इज एक्चुअली मी जो मैं अकाउंट बना रहा हूँ, ताकि उनके जो लॉ सूट्स वगैरह भी होते हैं, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मिसमैनेजमेंट वगैरह होती है, तो दे कैन कम आफ्टर यू। और इस हिसाब से यही है कि स्कैमिंग वगैरह कम होती है, उनकी पूरी डिपार्टमेंटल वो है कि भाई कॉपरेशन वगैरह, अगर फॉर एग्जांपल मेरे और सेलर के बीच में कोई अनबन हो जाती है, तो उसके लिए भी बीच में पूरी टीम आ जाती है कि भाई यार सॉल्व कर लें आपस में, अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम हेल्प कर देते हैं मीडिएट करने में, कोई भी रिव्यूज या कोई भी पैसे वगैरह। इसमें दूसरा चीज़ ये होती है कि दे कीप द मनी इन एस्क्रो। आई थिंक ये फाइवर भी यही करता है। अब होता क्या है कि अगर मैं इफ आई एम गोइंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद अ बायर, होता क्या है कि बायर बायर के जो पैसे होते हैं वो एस्क्रो में आ जाएंगे, मतलब अपने के पास आ जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही मैं डिलीवर करता हूँ फिर मेरे पास पैसे आ जाते हैं। अपवर्क हैंडल दिस मच मोर बेटर देन फाइवर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, देर आर डिफरेंट टीयर्स ऑफ पेमेंट्स, जो मैं आगे जाके नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स में, तो ज़्यादा रेगुलेटेड होता है। ठीक, अब दूसरा जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है अपवर्क में लास्ट ईयर ही, दैट इज कनेक्ट। कनेक्ट क्या होते हैं कि जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था फाइवर में कि यू कैन सेंड रिक्वेस्ट टू सेंड बिडिंग ऑन एनी बायर रिक्वेस्ट, ना ऐसे ही धड़ाधड़ आप सेंड कर सकते हैं, आपके ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि कनेक्ट यूज होते हैं अपवर्क में। कनेक्ट आर द करेंसी यू यूज टू सेंड कनेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ये ले लें कि किसी और को कॉल कर रहे हैं, तो कुछ एक सेटअप चार्जेस होते हैं, कॉल चार्जेस जो होते हैं ना वो चार्ज होते हैं, तो दिस इज द सेटअप चार्ज। अब कनेक्ट क्या होते हैं कि दे आर इंडिविजुअल करेंसी जो अपवर्क से आप लेते हैं, और वो कनेक्ट कंज्यूम होते हैं जब आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं या किसी को प्रपोजल भेजते हैं जॉब के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बड़ी जॉब है तो यू कैन यूज 4 कनेक्ट, छोटी जॉब है तो 1 से 2 कनेक्ट में भी काम हो जाता है। तो कनेक्ट का कुछ 0.01 सेंट्स फीस होती है इनिशियली, आपको अपवर्क रजिस्टर करने पे 20 वो देता है, कनेक्ट देता है कि ताकि आप स्टार्ट जंप स्टार्ट कर सकें अपने करियर को। इससे क्या होता है कि भाई
कोई बंदा धड़ाधड़ किसी को ना अपवाई रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा, और वो सॉरी प्रपोजल्स नहीं भेज रहा बाहर रिक्वेस्ट पे, इससे क्या होगा कि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है, और मतलब अगर आपके पैसे जा रहे होते हैं तो आप कंसीडर करते हैं कि भैया क्या मुझे सही में ये प्रपोजल इनको भेजना है कि नहीं भेजना है, जस्ट सो बिकॉज मुझे पैसे चाहिए इसलिए नहीं भेज रहा मैं, राइट। अब टाइप्स ऑफ जॉब में जैसे पीछे माइलस्टोन प्रोजेक्ट मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, वो तो अपॉक होती होती हैं और एस्क्रॉ बेस्ड भी होती हैं। तीसरी आती है टाइम ट्रैक, दिस इज रियली गुड कि आप यंचुअली आप टाइम ट्रैक पे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि टाइम ट्रैक क्या होता है कि आपके पास एक ट्रैकर चलता है, आप जॉब पे काम किसी भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं तो आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई वेब बना रहे हैं, कोई वेब बना रहे हैं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप भाई बोल दें कि आई विल बी वर्किंग फॉर $30 एन आवर, राइट, या $15 एन आवर। टाइम ट्रैकर क्या करेगा, जब आप टाइम ट्रैकर स्टार्ट करेंगे और ड्यूरिंग दैट टाइम आप काम करते हैं तो यू विल बी गेटिंग पेड एवरी आवर यू वर्क। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जब काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और आपने टाइम ट्रैकर ऑन कर दिया है तो इट इज मोर एफिशिएंट कि भाई आप जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे, और आपका हर काम पहले उसी वक्त आपको हर घंटे में उसी वक्त पैसे मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, एंड यू कैन रिसीव द ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ द वीक। प्रेफर्ड यही होता है, मैं तो कम से कम ये प्रेफर करता हूँ कि टाइम ट्रैक्ड हो, लेकिन ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में क्लाइंट्स ये प्रेफर करते हैं कि भाई फिक्स्ड रेट हो ताकि रेट बढ़ ना जाए उनकी बजट से या कोई डिस्क्रिमिनेंसी ना आ जाए, राइट। अब ये दोनों तो हो गया कि फाइवर और अपवर्क काम कैसे करते हैं, बट हाउ डू यू हैंडल फाइनेंसेस, आप पैसे वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, कमा तो रहे हैं, अपवर्क में भी पैसे आ गए, फाइवर में पैसे आ गए, दे कैन होल्ड द मनी फॉर यू, लेकिन इवेंचुअली आपको निकालने तो पड़ेंगे। अब उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ आप दिमाग में क्लियर होगी, अपवर्क एंड फाइवर 20% चार्ज करते हैं हर ट्रांजेक्शन पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज करें कि मेरे $5 की कोई जॉब है, राइट, तो $5 मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे $4 मिलेंगे, क्योंकि 20% कट फाइवर के पास आएगा और फाइवर यही 20% कट उनसे भी लेता है, बायर से भी लेता है, तो 20% फ्रॉम अस एंड 20% फ्रॉम बायर। तो अपवर्क के भी सिमिलर चार्जेस हैं, 20% ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। तो इवेंचुअली मतलब आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई अगर जब तक आप प्लेटफॉर्म पे हैं जो चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फाइवर और अपवर्क, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी इट इज टेकिंग सम फीस फॉर इट, राइट। अब पेयोनीर एज अ पे फाइनेंसिंग मिडलवेयर, तो अपवर्क और फाइवर पे जैसे मैंने बोला कि आप पैसे पे कमा लेंगे, लेकिन इवेंचुअली जब आपको पैसे निकालने होंगे तो द करेंटली द बेस्ट सर्विस दैट एग्जिस्ट फॉर पाकिस्तान इज पेयोनीर। पेपाल होते हैं यूजुअली पीपल प्रेफर पेपाल, लेकिन पेपाल ऑफ कोर्स पाकिस्तान में नहीं है, तो पेयोनीर इज अ गुड अल्टरनेटिव फॉर दैट। पेयोनीर करता क्या है कि इट क्रिएट्स इन US या UK अकाउंट टू रिसीव मनी। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल डॉलर में कमा रहे हैं जैसे फाइवर या अपवर्क यूजुअली होता है, तो आप वो पैसे पेयोनीर में ट्रांसफर कर सकते हैं और वो आपके US के एक पेयोनीर के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। उसको अब उससे हर विड्रॉल में आपको बस 2% चार्ज होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर $5 कमा रहा हूँ, राइट, $5 से $1 गया फाइवर या अपवर्क के पास 20% कट, उसके बाद जो मेरे पास $4 पेयोनीर में आएंगे, उसके बाद जो मैं वो निकालूंगा लोकल बैंक अकाउंट में, तो जो कन्वर्जन रेट होता है फॉर एग्जाम्पल 167 है अभी, तो 167 का 2% पेयोनीर रखेगा, तो जितना भी कट हो रहा है। अब इसका दूसरा क्या होता है कि भाई आप ना अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं पेयोनीर्स के पैसे, जैसे मैं यूजुअली बैंक अलावी या बैंक अल्फ्लावर में ट्रांसफर कराता हूँ अपने पैसे पेयोनीर से, या आप जेस कैश यूज कर सकते हैं। जेस कैश प्रेफर्ड बेटर इसलिए है क्योंकि जेस कैश का कन्वर्जन रेट काफ़ी बेहतरीन है, जेस कैश पेयोनीर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो जब निकालेंगे जेस कैश के थ्रू तो आपके पास कन्वर्जन रेट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आता है जो करंटली पाकिस्तान में चल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पेयोनीर अपना कन्वर्जन रेट टू डायरेक्ट बैंक 165 दे रहा है, तो जेस कैश कम से कम 166 या 167 दे देगा। तो इट इज प्रेफर्ड कि आप जेस कैश यूज करें पैसे निकालने के लिए पेयोनीर से, राइट। फाइवर रिक्वायर्स पेयोनीर, मतलब अगर फाइवर से आपको पाकिस्तान में पैसे लाने हैं तो डेफिनेटली पेयोनीर आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि राइट नाउ एज ऑफ राइट नाउ फाइवर कोई भी डायरेक्ट टू बैंक सर्विस नहीं देता कि भाई आप डायरेक्ट US से पैसे जो हैं आप बैंक में निकाल लें, बट अपवर्क करता है। हाउ एवर ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपवर्क की अपनी सर्विस यूज करें पैसे निकालने के लिए लोकल बैंक अकाउंट में, क्योंकि नंबर वन मसला ये आता है कि अपवर्क का कन्वर्जन रेट काफ़ी बेकार है, मतलब
राइट right? मैं कल चेक किया तो मैंने 167 जो है एक्चुअली रेट वो 160 डॉलर्स दे 160 पर डॉलर देता है. इट इज़ नॉट रियली प्रेफर्ड कि आप यार अपवर्क से डायरेक्ट निकाल लें और इंस्टेड कि आप फाइव अपवर्क टू पेयोनीर करें फिर पेयोनीर से बैंक अकाउंट या जैस कैश जो आपको प्रेफर्ड हो वो करें. राइट अच्छा कुछ आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ फ्रीलैंसिंग प्रोफाइल्स के जो काफ़ी बेहतरीन है पाकिस्तान में बेहतरीन है और शायद आप जानते भी हों उनमें से कुछ. आलियान चौधरी टॉप रेटेड ऑन फाइवर पाकिस्तान से बंदा ये स्टार्ट किया था इसने लिटरली सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग फोटोशॉप स्टार्ट करता था फोटोशॉप से स्टार्ट किया था फोटोशॉप 6.0 से बंदा सिंपल डिज़ाइन बना था लोगोस बनाता था. अब इवेंचुअली इतना इतनी इसने मेहनत करी इतना इसका एक अच्छा प्रोफाइल बन गया कि ये बंदा अभी मैं इसके एग्जाम्पल आपको गिग बताता हूँ कि उसके पास इस स्काइप की गिग है $30 की. All he does is comes on Skype for 30 minutes in a meeting call. उसके लिए आप $30 pay करेंगे आलियान चौधरी को. This is how famous or this is how skilled he has become right now. तो profile जब profile आपका बन जाता है बेहतरीन तो you can go for such gigs कि आपके पास बंदे बात करने के लिए आपके साथ $30 pay कर रहे हैं आपको 30 minutes में. इसके बाद अब जो ये रेड में आप देख रहे हैं जैन मुस्तफ़ा का नाम. जैन मुस्तफ़ा हमारे एलुमनाई हैं CS डिपार्टमेंट के. अब इनका ये CEO है गिग्स ऑफ कोलाची के. ही इज टॉप रेटेड ऑन अपवर्क और इन्होंने मिनिमम जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया है $50K कमाए हुए हैं 50K सिर्फ इनके अपने प्रोफाइल में. तो कंपनी के दूसरे बंदों के प्रोफाइल भी हैं उनके और उन्होंने अलग कमाए हुए हैं. तो यू कैन इमेजिन कि भाई ये मैं सिर्फ एक साल का बता रहा हूँ. यू कैन इमेजिन कि भाई कैसे कितना आप प्रोफाइल अपना बिल्ड करके कितना अच्छा कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग का. दिस इज कुमैल पीरज़ादा एंड एहतिशाम अली दोनों का अपना अपवर्क है. रिसेंट लास्ट इसी ईयर ग्रेजुएट हुए हैं ये बंदे दोनों का स्टार्टअप है सर्विस स्टार्टअप है जेनियस के नाम से. दोनों कमा रहे हैं 10K+ US डॉलर्स दोनों के अलग अलग अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट्स. इसके अलावा भी दूसरे बंदों के भी अकाउंट हैं उनके पास. मेरा आता है तरुण कुमार दिस इज मी और मैंने भी मेरे प्रोफाइल पे 5K+ हैं. दिस इज जस्ट फ्रॉम द लास्ट ईयर. तो यू कैन इमेजिन कि भाई कितनी सिंपल मतलब ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ मेरी यूनिवर्सिटी भी चल रही है मेरी ऑफिस भी चल रही है एंड ड्यूरिंग ऑल दिस मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ और मेरा फाइवर पे अलग अकाउंट है अपवर्क पे अलग अकाउंट एंड बोथ आई एम ऑन बोथ आई एम अर्निंग वेल इनफ. राइट तो यूजुअली जो आप ये सारी चीज़ें तो हो गई तो स्किल्स आपकी कौन सी होनी चाहिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या कॉमनली डेवलप्ड जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कॉमनली डेवलप्ड एप्लीकेशन होते हैं वो कौन से होते हैं. बाउल वुड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट देम कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी आप स्किल्स गेन कर सकते हैं और कैसे गेन कर सकते हैं. ओके थैंक यू वेरी मच तरुण फॉर द अमेजिंग टॉक ऑन अपवर्क एंड फाइवर. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे जब हम आते हैं तो लाइक डेली लाइफ में आप 3 सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मोबाइल ऐप्स आ जाती हैं. तो मोबाइल डेवलपमेंट 2 टाइप की होती है. या तो आप नेटिव एप्लीकेशंस बनाते हैं जो यहाँ आप एक सिर्फ एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन या सिर्फ iOS आईफोन के लिए एप्लीकेशन. फर्दर वो वी हैव क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस जो आप बिल्ड एक दफ़ा करते हैं और वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे चलती हैं. क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन में हम फ्लटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे. डेवलपर स्टूडेंट क्लब में हम बूट कैंप अरेंज कराएंगे. ओके फर्दर मोर सेकेंड एप्लीकेशन जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वो होती है वेबसाइट्स. वेबसाइट्स के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड. फ्रंट एंड पे आप देखते हैं मेन HTML CSS और इससे एडवांस जो है हमारे पास रिएक्ट एंगुलर इस तरह की लाइब्रेरीज आती हैं. इनके भी हम बूट कैंप अरेंज कराएंगे. ओके तो जैन मुस्तफ़ा एंड कुमैल पीरज़ादा लाइक दीज गाइज डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन ऑन रिएक्ट नेटिव एंड फ्रंट एंड एंड वेब डेवलपमेंट ऑन रिएक्ट. तो उनकी जो बेसिक जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनके वो ये दोनों हैं. ओके फाइनली तो थर्ड प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है थर्ड एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो हम जो रोज यूज़ करते हैं. इसमें भी हमारे पास नेटिव एप्लीकेशन होती हैं जो या तो सिर्फ मैक ओएस पे चलेंगी या सिर्फ विंडोज़ पे चलेंगी और हमारे पास लिनक्स की एप्लीकेशन भी होती हैं और इसमें भी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन होती हैं जो जावा इलेक्ट्रॉन पे बनती है. ओके तो ये 3 एप्लीकेशन वो थी जो आप यूजर्स खुद देखता है. तो कुछ डेवलपमेंट ऐसी होती है जो बिहाइंड द सीन्स चलती है.
तो डेटा साइंस का नाम सबने ही सुना होगा, लाइक डेटा साइंस इज द लाइक मोस्ट टॉप वर्ड इन पास्ट फ्यू इयर्स। तो डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है? वो प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाता है, फ्यूचर की अर्निंग्स प्रेडिक्ट करता है, वो वैल्यूएबल इंसाइट्स ड्राइव करता है फ्रॉम अ कंपनीज डेटा। वो देखता है कि कस्टमर्स कैसे आ रहे हैं, कस्टमर्स के सेगमेंटेशन क्या है, कस्टमर्स के इंटरेस्ट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट मोस्ट पोटेंशियल शो कर रहा है इन फ्यूचर अगर हम उसे सेल करने जाए। फर्दर मोर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई थिंक एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि मोस्टली एलुमनाइज इन चीज़ों से वाकिफ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्डिनो एंड रेसबेरी पाई, आर्डिनो एंड रेसबेरी पाईज आर माइक्रो कंट्रोलर जो हम प्रोग्राम कर सकते हैं और दे कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो अपवर्क और फाइवर पे यू कैन लाइक स्टार्ट सेलिंग द कोड ऑफ आर्डिनो एंड रेसबेरी पाई। यू कैन कोड आर्डिनो एंड रेसबेरी पाई एट योर होम, और फिर आप जो उसकी प्रोग्रामिंग फाइल है वो आप किसी भी यूजर को सेल कर सकते हैं। फर्दर मोर हमारे पास नेटवर्क इंजीनियरिंग की साइड आती है, उसके अंदर आप ये देखते हैं हम किस तरह एक पूरा नेटवर्क सेटअप करते हैं। तो इसमें हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर पे हम एक वर्चुअली सेटअप इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे सारे पैकेट्स इजीली जा रहे हैं, देन वी कैन कन्वर्ट दैट वर्चुअल इन्वायरमेंट इंटू अ रियल लाइफ ऑफिस सेटअप। ओके, तो ये बात तो हो गई कि आप क्या लर्न कर सकते हैं, कौन से स्किल्स आपको अक्वायर करने चाहिए टू ब्रेक इनटू द मार्केट। तो रिसोर्सेस क्या हैं जहां से आपको लर्न करना चाहिए ये सब कुछ? तो सबसे पहली बात तो ये, प्रोग्रामिंग स्किल्स असाइड यू शुड नो अबाउट द थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, क्योंकि जब आपकी थ्योरी पता होगी देन यू कैन ऑप्टिमाइज योर कोड, यू कैन कोड बेटर, आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो देयर इज अ इंटरेस्टिंग वेबसाइट कॉल्ड टीच योर सेल्फ कंप्यूटर साइंस वेयर यू कैन लर्न द कोर कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन वेरी इफेक्टिव वे। फर्दर वोर फॉर कोडिंग प्रैक्टिसेस, फॉर कोडिंग स्किल्स यू कैन गो टू फ्री कोड कैम्प डॉट ओ आर जी। ये सारे हम डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर देंगे जहाँ पे सारे रिसोर्सेज मैंशन है। यहाँ पे आप डायरेक्टली मोबाइल ऐप, वेब ऐप और डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं, और कोडिंग ट्रेन्स ये और वेबसाइट है। फाइनली ये पाइथन ट्यूटोरियल्स, तो तरुण कुमार ने जो 5K अर्न किए हैं, मजे वाली बात है उसने सिर्फ पाइथन स्क्रिप्टिंग से किए हैं। व्हाट ही डज, ही ऑटोमेट्स द बोरिंग स्टफ, एक्सेल शीट ऑटोमेशन हो गई, वेब स्क्रैपिंग हो गई, जो काम मैनुअली इंसान करता है कंप्यूटर पे, तरुण जस्ट ऑटोमेट्स दैट। तो इससे यू कैन से एरर, ह्यूमन एरर रिड्यूस हो जाता है, स्पीड तेज हो जाती है। तो दैट्स ऑल्सो अ डोमेन विच यू कैन एक्सप्लोर। और फाइनली वी हैव कोडिंग गार्डन विद सीजे, तो ये भी आपको बेसिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाते हैं। तो देन ऑब्वियसली हमारे पास MOOCs होते हैं, मैसिवली ऑनलाइन कोर्सेज। तो यहाँ पे यूडेमी है, यूडेसिटी है, कोर्सेरा है, यहाँ पे आप ऑडिट कर सकते हैं कोई भी कोर्स, आप विदाउट सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आपको के पास पूरी नॉलेज आ सकती है। एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द फाइनेंशियल एड, वहाँ पे दे हैव वेरी गुड फाइनेंशियल एड सिस्टम। और फर्दर मोर इफ यू कैन डायरेक्टली जस्ट बाय अ कोर्स एंड इनरोल इन इट। तो अगेन DSC विल बी कंटिन्यूसली शेयरिंग अ लॉट ऑफ मोर रिसोर्सेज एंड बूट कैंप्स इन द फ्यूचर। तो आई विल लाइक टू कॉल अतीक बैक सो ही कैन एक्सप्लेन व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ DSC एट DSU। ओवर टू यू अतीक। फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स तरुण कुमार एंड बहावल बलोच, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। पहली चीज़ ये है कि देखें, पहले तो हमने यहाँ पे फ्रीलांसर्स तो बता दिए हैं, लेकिन जो आज के स्पीकर्स हैं, हम लोग भी छोटे मोटे फ्रीलांसर्स हैं, तो देयर दिस क्रेडिबिलिटी हम लोग भी करते हैं, और हम लोग की ख्वाहिश है कि हमारे डिपार्टमेंट में भी फ्रीलांसिंग का कल्चर प्रमोट हो। अच्छा, सिंस दिस इज द कोलेब्रेशन विथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भाई बहन हैं, उन लोग को पता चले ये बात कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को टेक्नोलॉजी में मूव करना ज़्यादा आसान है। यू आर एक्सेलेंट एट मैथ्स, यू नो बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, और इससे आप लोग जो है, आप लोग को आइडिया नहीं है कि हाउ इजी इट फॉर यू टू मूव इनटू टेक्नोलॉजी। और मसला हमारा पाकिस्तान का क्या है कि पीपल आर नॉट अवेयर। गूगल के अंदर, IBM के अंदर, जितनी भी बड़ी कंपनीज है दुनिया की, दे हैव, तो आपको डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए देर इज लॉट ऑफ थ्योरी एंड मैथ इन्वॉल्व, मशीन लर्निंग, AI, जितनी भी प्रोग्रामिंग फील्ड है, वहाँ पे ये है ही नहीं कि इफ यू हैव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री तो उनको उससे कोई मसला नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कैन मूव इजिली इन टू कंप्यूटर साइंस,
और गूगल में जितने बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, एआई आर्किटेक्ट्स हैं, दे हैव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. तो असल चीज़ ये है कि अवेयरनेस बताना कि बहुत ही आसान है आप लोगों को टेक में मूव करने के लिए. और अब हमारा क्या प्लान है, हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी सोसाइटी क्या चाहती है. हमारे ये है कि हम अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है प्रोग्रामिंग का कल्चर और डेवलपमेंट कल्चर प्रमोट करें लोगों को. हमारा पहला मकसद ये है कि हम लोगों को स्किल सिखाएं, क्योंकि आपको स्किल आना ज़रूरी है. दूसरा, हमारे स्किल्स आएंगी तो फिर आप फ्रीलांस में मूव करेंगे. अभी आपको पता है कोविड की वजह से कितने बुरे हालात हुए हैं दुनिया के, और काफ़ी मुतासर फाइनेंशियली, इमोशनली, सब लोग मुतासर हुए. फिजिकली हमें नहीं पता, लेकिन वी आर स्टार्टिंग. तो हमारे पास टाइम है May 2021 तक. तो अभी हम लोग फिजिकली तो नहीं करवा सकते जब तक हमारा कैंपस ओपन नहीं होता है, लेकिन हमने कहा है कि हम अपना टाइम प्रोडक्टिव रखेंगे कुछ भी हो जाए. तो हम लोग वी आर स्टार्टिंग द सेशन ऑफ वर्चुअल बूट कैंप्स. ऑनलाइन हमारे बूट कैंप्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द अक्टूबर, और उसके अंदर हम लोग बताएंगे. दूसरा हमारा ये, पहले आपको स्किल सिखा दी हमने प्रोग्रामिंग की, उसके बाद हम आपको सेल्फ लर्निंग और प्रोफेशनल ग्रोथ, अगर आपको कोई मसला आता है, कोई एरर आता है, कुछ भी एरर फेस करते हैं, तो मेंटोरशिप, जो लोग ऑलरेडी फ्रीलांसर्स हैं और स्किल्ड हैं, तो वो आप लोगों को अगर गाइड करेंगे और रोड मैप बताएंगे तो दैट्स मोर क्रेडिबल. जब आपने स्किल सीख ली, आप फ्रीलांसर बन गए, आपको छोटे मोटे $10-20 के प्रोजेक्ट मिलेंगे. उसके बाद जब आप कोई एरर आएगा, आपको क्लाइंट रिक्वायरमेंट देगा, तो आप फिर गूगल करेंगे एरर, और असल ग्रोथ वो है. ठीक है, आप फ्रीलांसर बन गए, आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे. हमारे देखें, दुनिया भर में किसी भी स्कूल में आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई जाती. विल बी द फर्स्ट स्कूल इन द वर्ल्ड जो फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएगा लोगों को. तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या चीज़ है, आप हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंसेस, राइट? तो हमारे मेन मकसद हमारी सोसाइटी के यही है. वी इंकरेज द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अस. वी हैव अवर फेसबुक ग्रुप, आप वर्चुअल बूट कैंप्स करवाएंगे. वी इंकरेज एवरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टू जॉइन अस इन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग प्रोग्रामिंग एंड मेकिंग पाकिस्तान अ बेटर प्लेस. कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या तो अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है, हमारा चौथा पॉइंट ये है कि जब आप फ्रीलांसर बन गए, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पता चल गई, और यू आर डूइंग गुड ऑन योर साइड, राइट? आप जो है अच्छे फ्रीलांसर भी बन गए एंड यू आर अर्निंग गुड, तो अब नाउ यू हैव टू एक्सपेंड योर सेल्फ. जब आप खुद अच्छा कर रहे हैं, तो नाउ यू इफ यू वॉन्ट, अगर आप अकेले हैं, आप कभी अकेले कोई चीज़ नहीं कर सकते जिंदगी के अंदर, यू ऑलवेज नीड अ टीम विद यू. तो उसके लिए हमारे स्टार्टअप स्कूल भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हाँ, आपको अपना सॉफ्टवेयर हाउस कैसे स्टार्ट करना है, आपको अपना स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करना है. हम आपको जितने मेंटोर्स हैं हमारे, हमारा एलुमनाई बोर्ड है, हम उनसे आपको कनेक्ट करेंगे कि दैट्स हाउ यू शुड डू. अच्छा, पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि देखें, कोविड सिचुएशन है, कैंपस नहीं खुले हुए, SOPs वगैरह हैं. अभी तो मेरे ख्याल से इवेंट्स बैन भी हो गए बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन. तो वी हैड दिस आइडिया कि देखें, हमारे पास एक साल है हमारी सोसाइटी के लिए, पहली बार डीएचएस सुफा में डेवलपर स्टूडेंट क्लब आया है. तो अब हम लोगों ने ये सोचा है कि फिजिकल तो नहीं हो रहा, लेकिन हाउ डू वी मेक इट मोर प्रोडक्टिव, लोगों तक कैसे पहुंचाएं चीज़ें, कैसे सिखाएं. तो हम लोगों ने इसका ये फैसला किया है कि हम लोग बूट कैंप वर्चुअल करवा रहे हैं. जैसे पहले बताया कि ऑनलाइन वर्चुअल बूट कैंप्स होंगे हमारे, उसके साथ साथ हम लोग हमारा यूट्यूब चैनल भी बन गया. हम लोग ट्यूटोरियल्स डाल रहे हैं साथ साथ, हम लोग वीकेंड्स पे, अच्छा खास पे वीकेंड्स पे रात के 12 बजे रख रहे हैं, ताकि सब लोग अवेलेबल हों. 1-2 घंटे के बूट कैंप्स होंगे, कोई सवालात वगैरह होंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा. कोशिश ये है कि हम लोग सिलेबस पे भी जोर दे रहे हैं कि कैसे समझाएं एक बिगनर को. हमारा सिलेबस अभी तक सिर्फ सिलेबस की टीम डिसाइड हो रही है कि सिलेबस कैसे बनाए, कैसे इन लोगों को सिखाएं, स्किल सिखाएं, कैसे यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड होंगी, कैसे इन लोगों को आगे बढ़ाना है. तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन जो जो इस इवेंट के अंदर आया है, और हम लोग की पूरी ख्वाहिश है कि जो है कल्चर प्रमोट किया जाए. और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग आएँ, हम लोग वी आर रियली विल बी रियली हैप्पी कि आप लोग हमें ज्वाइन करें. हम लोग अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. अगेन आई वुड लाइक टू थैंक तरुण कुमार एंड बाहुल बलोच, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इन लोगों ने कि कैसे फ्रीलांसिंग होती है. और दिस वीडियो विल ऑल्सो भी अपलोड ऑन द यूट्यूब चैनल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पे भी होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी होगा, तो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, राइट? या उससे पहले मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बावल मेरे माइक से आया था, तो डोंट बी वरीड जब बावल बोल रहा था और मेरा नाम आ रहा था. ओके यस गाइस, अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक अपने प्रोफाइल के हिसाब से, फाइवर कैसे मतलब फाइवर कोई क्वेश्चंस हो, अपवर्क के हिसाब से कोई क्वेश्चन हो, प्रोग्रामिंग रिसोर्सेज के बारे में कोई क्वेश्चंस हो, एनीथिंग यू कैन आस्क इन चैट, हम अभी जवाब दे देंगे. अब चैट पे आंसर क्वेश्चंस पूछ ले, हम लोग अभी इसी पे आंसर कर देंगे. या
Does anyone have question? किसी की कोई सवालात नहीं है? अजीब सी बात है, सवालात तो करने चाहिए लोगों थैंक यू वेरी मच अविनाश. अविनाश इज अप्रिशिएटिंग यू. ओके को. थैंक यू अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका. या आई वुड सजेस्ट हाँ फहद शुड बी स्टार्ट विद लर्निंग पाइथन. ओके मैं बोल दूँ. ओके फहद व्हाई व्हाट आई वुड सजेस्ट कि भाई आप एग्नोस्टिक हो जाएं इस चीज़ के. भाई सीखनी क्या चीज़ है. पाइथन सीखने सीख प्लस सीखने कुछ भी सीखने बट स्टार्ट करें. बट येस अगर आप पाइथन स्पेसिफिकली अगर पूछ रहे हैं ना दिस इज द इजिएस्ट वे टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग इजिएस्ट वे टू स्टार्ट डेवलपमेंट. हमारे अपने आइडियाज़ हैं. हम कुछ वीडियोस पाइथन की बूट कैंप या पाइथन के ऐसे किक स्टार्ट करने के लिए पाइथन लर्निंग को हम वीडियोस बनाएंगे. बट बियॉन्ड दैट हमने जो रिसोर्सेज में आपके कोरी शिफर के ट्यूटोरियल्स लिखे थे यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद दैट. पाइथन इज द इजिएस्ट वे टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग राइट नाउ जितना मैं समझता हूँ. मैटलैब थी किसी ज़माने में लेकिन इट हैज़ बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन मैथमेटिक्स. बट येस ऑफ कोर्स पाइथन इज डेफिनेटली द वे टू गो फॉर इट. ओके न्यू कस्टमर्स फॉर यार एट लेवल वन. अच्छा इलियास लेवल वन से पहले एक आप कुछ जीरो लेवल होते हैं मतलब आपका कोई टाइटल नहीं होता कि लेवल वन सेलर. हम आई गेस हम फाइवर की बात कर रहे हैं तो लेवल वन सेलर से पहले लेवल जीरो सेलर होता है तो आपके पास कोई टाइटल वगैरह उस वक्त नहीं होता. तो द गैप बिटवीन लेवल जीरो एंड लेवल वन इज कि भाई आप कुछ $1,000 कमा लें नहीं सॉरी $500 होते हैं आप या $7 होते हैं उतना कमा लें और कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्डर होते हैं जो आपको क्रॉस करने होते हैं. उसके बाद आपकी जो विजिबिलिटी बढ़ जाती है. अच्छा तो अट्रैक्ट करने की बात हुई तो लेवल जीरो पे कैसे अट्रैक्ट करें. तो व्हाट करंटली द बेस्ट वे इज कि आप बिड जितना आप नॉर्मली कर सकते हैं जितना आप खुश हों उतना आप बिड करें. ऐसा ऐसा नहीं है कि आप मतलब लालच ना करें. डोंट बी ग्रेडी. ऑफर द मिनिमम यू कैन अफोर्ड और उसके बाद उनको बताएंगे भाई ये चीजें मैं दूंगा एंड यू सेल स्किल्स. यस मास आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन यस. ओके मास इज पॉसिबल के ऑर्डर्स फॉर बीवीआर ओज इन फाइवर एंड फॉर गिवन देयर कंपटीशन इन दिस मार्केट्स. व्हाट आर बीवीआर ओज आई एम सॉरी मुझे नहीं पता. ओके मुझे गूगल करने दे. व्हाट डू यू मीन बाय बीवीआर मास, कैन यू, या कैन यू इलैबोरेट अ लिटिल बिट? क्वेश्चन अपना इलैबोरेट कर सकते हैं मास? व्हाट डू यू मीन बाय बीवीआरओस? मेरे ख्याल से देयर इज दिस स्ट्रेटजी और टेक्निक वेयर पीपल पिच टू द क्लाइंट्स, राइट? तो माज एक बात बता दूं आपको कि बिल्कुल आपकी बात सही है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है फाइवर हो अपवर्क को. फाइवर में मतलब अगर आप सिंपल इफ यू गो एंड टाइप वर्ड प्रेस तो देर आर 50,000 गिग्स ऑन वर्ड प्रेस. तो हाउ डू यू स्टैंड आउट? तो हम लोगों ने, जैसे हम लोगों का हमारा मिशन है कि हम लोग फ्रीलांसिंग भी सिखाएंगे, तो वी हैव पीपल विद अस जिन्होंने फाइवर के एल्गोरिथम्स क्रैक कर लिए हैं, और हमें पता है कि कैसे एसईओ करनी है, कैसे कीवर्ड्स लगाने हैं, और कैसे अपने गिग को आप ज़्यादा, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप गिग अभी पहली अपडेट करेंगे यू गेट 1,000 व्यूज ओवर इट, लेकिन इवेंचुअली विद टाइम वी कैन हेल्प यू मेक गिग्स दैट कैन क्रॉस 1,000 2,000 व्यूज मंथली. तो या और अपवर्क वगैरह पे वी हैव ऑल द प्रोफेशनल पीपल हु विल बी गाइडिंग यू एंड मेंटोरिंग यू विद इट. देखें, जो आपने वीवीआरओ की बात की है, अनएथिकल टेक्निक्स, तो देखें सीन क्या है फ्रीलांसिंग में, देर आर लॉट ऑफ बैड एंड ईवल टेक्निक्स यू कैन यूज टू गेट क्लाइंट्स एंड ऑल ऑफ दिस. मतलब अनएथिकल, जैसे लोग क्लाइंट्स को प्लेटफॉर्म से भी हटा देते हैं, लेकिन वी हाईली डिस्करेज ऑल दिस थिंग्स. और अगर आप देखें, अगर आप सही और हलाल तरीके से करें तो कोई मसला नहीं होगा, और सब दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स हैं, आगे पीछे फ्रीलांसर्स हैं, सब लोग एथिकल तरीके से कर रहे हैं. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ईविल और एनीथिंग अनएथिकल, और उससे क्लाइंट्स आते हैं. सो यू जस्ट हैव टू वेट. पेशेंस बहुत ज़रूरी है फ्रीलांसिंग के अंदर. इट्स नॉट लाइक यू आर गोना मेक योर अकाउंट टुडे और आपके ऑर्डर्स जो है वो कल ही आ जाएंगे एंड यू विल बी मिलियनेयर बाय योर थर्ड डे. दैट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू बी पेशेंट फॉर लाइक 3 to 4 months टू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद फिर हल्के हल्के पेशेंस होता है. आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है, यू हैव टू राइट द राइट डिस्क्रिप्शन, राइट फोटो एंड एवरी थिंग. वी विल बी गाइडिंग. हम लोग ने सोचा, हम लोग तो प्ले लिस्ट बनाएंगे फाइवर पे और उस पर, ताकि लोग जो है समझ पाए कि हाउ डज दीज थिंग्स वर्क. सो एनी अदर क्वेश्चन? अलॉन्ग विद दैट मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भाई मैंने थ्रोन 16 में फाइवर के प्रोफाइल बनाया था थ्रोन 16 एंड आई ओनली गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर इन 2018. तो बीइंग सेइंग 2-3 डेज इज क्वाइट जेनरस आई थिंक.
बट यस ऑर्डर आने में टाइम लगता है, बट ऑल यू हैव टू डू इज कि भाई ये जो मैंने 2018 में मेरे पास ऑर्डर आया उसके 5 दिन पहले मैं एक्टिव हुआ था, क्योंकि मुझे याद नहीं था मेरे फाइवर का अकाउंट है। तो बस आपको बस 5 दिन ऑनलाइन रहना है, क्योंकि फाइवर अपवर्क का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट फाइवर डज चेक कि अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यस ऑफ कोर्स इम्प्रेशंस मैटर कि भाई आपके एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी गिग कितनी ऊपर आ रही है। ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक एज यू कैन कि भाई मैं स्पेसिफिक सर, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2-3 मेरे दोस्त हैं मैकेनिकल के, वॉट डे डू इज कि उनके वो सिंपल उनकी स्किल है कैड मॉडल्स हैं, वो कैड मॉडल्स सेल करते हैं बना के, 3D मॉडलिंग करके सेल करते हैं। क्वाइट सिंपल, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। कुछ मेरे दोस्त हैं फोटोशॉप यूज़ करते हैं, ऑल डे डू इज क्रॉप पिक्चर्स आउट। आप उनकी एग्जैक्ट उनका ये होता है, आई विल क्रॉप योर फेस आउट ऑफ समथिंग, आई विल ट्राई क्रॉप पीपल आउट ऑफ योर पिक्चर। सिंपल सी ये है, बट विजिबिलिटी काफ़ी हाई होगी क्योंकि स्पेसिफिक है, और सिंपल सा कोई वो मतलब इतनी कोई टैलेंट भी नहीं चाहिए इसमें, आप सीख सकते हैं 2-3 मिनट में यूट्यूब वीडियो फॉलो करके। तो यही है कि भाई ये जस्ट गेट स्टार्टेड, कोई भी स्किल हो, कोई भी स्किल हो, ये नहीं सोचे कि भाई कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा, मेरी टिकेगी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा व्हाट डू यू हैव टू लूज, मतलब नहीं चलेगी ना आपकी गिग, यू कैन रीट्राई अगेन। बट लेकिन स्टार्ट डेफिनेटली करें, गिग ज़रूर डालें, और इवेंचुअली अगर एक भी ऑर्डर आपका आता है ना तो योर रैंकिंग विल बूम। यस अमना इज आस्किंग समथिंग। Should we start freelancing with beginner skill to gain experience? देखें, everyone, you have to start at some time, right? कभी ना कभी तो आपको start करना ही है freelancing. तो आप जितना जल्दी करें उतना अच्छा है, क्योंकि जो experience आपको मिलेगा ना, वो start करके ही मिलेगा. जब आपको orders मिलेंगे, bugs आएंगे आपके errors में, आप Google करेंगे, that is the real form of learning. तो you have to start someday, तो why not tomorrow, why not today? आप स्टार्ट करें, वो एक्सपीरियंस आएगा. रेटिंग वेटिंग की जहाँ तक आपने बात लिखी है, देखें, आप अपना बेस्ट दें. आपको क्लाइंट, और द मेन थिंग इज कम्युनिकेशन. अगर आप क्लाइंट को सच बोलेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे और बोलेंगे, तो क्लाइंट मतलब लोग बुरे, बाहर के लोग बुरे नहीं होते, दे डोंट डू एनीथिंग. वो समझते हैं बात को. इवन देयर वाज दिस गाय इन फ्रीलांसिंग मार्केट जिसने बिल्कुल पाइथन पे स्टार्ट किया था, और बहुत गंदा कोड लिखा था, बिल्कुल इनएफिशिएंट कोड लिखा था. तो उस बंदे ने कहा कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, रुको मैं तुम्हें कोड लिख के दिखाता हूँ. तो उस बंदे ने उसका कोड साफ करके बताया, दैट्स हाउ यू राइट कोड. और ना उसने बुरे रिव्यूज दिए हैं, ना उसने कुछ किया है. तो बाहर के क्लाइंट्स भी बड़े अच्छे होते हैं, उनको पता है कि हम लोग न्यू हैं, और स्टार्ट जब आप करते हैं तो आप कम पैसों पे स्टार्ट करते हैं. तो वो लोग इस सब चीज़ मतलब इतना मसला नहीं होता रेटिंग का, ये इसकी हमें कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है. आई होप तरुण नो समथिंग एज वेल. मैंने स्टार्ट किया था पाइथन से, राइट, लिटरल सिंपल पाइथन। ये उस दौरान का टाइम है जब मैंने सी प्लस प्लस सीखी थी, तो यार इट वाज इजी फॉर मी टू शिफ्ट इनटू पाइथन, बट सिर्फ पाइथन स्टार्ट किया। और मैंने गिग में वेब डेवलपमेंट भी डाल दी, जेंगो भी डाल दी, इवन दो आई हैड नो एक्सपीरियंस विद इट, आई नो इट्स अनएथिकल, लेकिन जब ऑर्डर मेरे पास आया जेंगो का, आई स्टार्टेड जेंगो। और क्योंकि मेरे पास सर के ऊपर डेडलाइन थी, तो नॉट ओनली डिड आई लर्न पाया जेंगो, और उसके साथ मैंने डिलीवर भी किया, और मेरे रेटिंग भी बढ़ गई उस गिग की, इवन तो आई न्यू नथिंग अबाउट डेवलपमेंट। तो इस बात पे तो आप छोड़ ही दें कि भाई यार बिगनर स्किल से स्टार्ट करें या किसी, वॉट आई वुड सजेस्ट एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि कोई ना किसी चीज़ में ना आप काफ़ी अच्छे होंगे, ऐसे नहीं हो सकते आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो, बी इट ड्रॉइंग, बी इट पेंटिंग, बी इट स्केचिंग, या कुछ भी इस किस्म की फोटोशॉप में, कोई भी चीज़ में आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट होंगे। स्टार्ट विद दैट, अलॉन्ग विद दैट फाइवर पर कुछ एक एक्स्ट्रा गिग वगैरह डाल दें जो आप, जिसमें आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बट आप चाहते हैं कि एक्सपीरियंस गेन हो, और इवेंचुअली आप उस पर स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आई एम गुड विद वर्डप्रेस, डज नॉट मीन आई एम गुड विद फ्रंट एंड डेवलपमेंट, लेकिन मैं वर्डप्रेस के साथ साथ एक वेब डेवलपमेंट की भी डाल देता हूँ, राइट। तो इससे क्या होगा कि जब मेरे पास वर्डप्रेस में मैं गिग्स लेके आऊँगा, ऑर्डर्स लेके आऊँगा, तो इवेंचुअली मेरी दूसरी वाली गिग भी चल जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एलुमनाई जो हैं हमारे साथ अभी आज मीटिंग में, तो उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप प्रोटीएस पे जाएं। देर इज ऑल्सो DLT बेस्ड प्रोजेक्ट्स जिसमें आप वेरीलॉग वगैरह यूज कर सकते हैं, लॉजिकली यूज कर सकते हैं, आप उसमें सर्किट्स बना के यार आप दे सकते हैं, सिंपल सर्किट्स जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं। यूजुअली यू कैन डू असाइनमेंट्स, नीचे ये भी है कि आप असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं लोगों के। यूजुअली क्या होता है कि बाहर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, व्हाट दे डू इज कि भाई अपने असाइनमेंट्स डाल देते हैं, इट्स नॉट एथिकल बट एटलीस्ट यू आर स्टार्टिंग विद समथिंग, राइट। तो दिस प्रेफर्ड कि भाई यार आप स्टार्ट करें, बाद में सोचेंगे आप स्किल लेवल कितनी है, आगे बाद ऑर्डर कितने आएंगे। एनी मोर क्वेश्चंस? कैन आई होप आई हैव आंसर्ड योर इज देयर एनी अदर क्वेश्चन?
Fahad is asking what to learn along with Python. Achha, Fahad, to make best combination, what I would suggest ki yaar, Python ke saath aap na pandas aur numpy ko dekhen. Ye dono libraries hain uski Python ki. They are really well known. Usme aap kaafi cheeze numbers ke saath khel sakte hain, databases ke baad data ke saath khel sakte hain. To pandas is a good way to go through the part. Aur iske alawa Selenium, I would suggest Selenium kaafi acha hai jo main karta hun ka. That is ऑटोमेशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, आपके वेब ऑटोमेशन हो गई या उसके अलावा जो भी आप फॉर एग्जांपल फेसबुक लॉग इन ऑन करना आप ऑटोमेट करना चाहते हैं तो यू कैन डू विद दैट विद सेलेनियम. अब करता क्या है कि भाई मैं वेब ब्राउजर खोल देता है एंड यू कैन गिव इट कमांड्स लाइक कि भाई इस वेबसाइट पे जाओ, क्लिक दिस बटन, और उसके बाद क्लिक बटन करने के बाद इंटर दबाओ, ऑल दीज थिंग्स. सेलेनियम यूजुअली यूज होता है टेस्टिंग वगैरह के लिए, बट यू कैन यूज इट फॉर वर्कफ्लो ऑटोमेशन एज वेल. देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस यू हैव, यू कैन यूज सेलेनियम with Python, you can go for pandas with Python, numpy with Python. There are different libraries you can use. आप ये कर सकते हैं कि MLAI पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, but that's something I would not suggest कि जब तक आप pandas और numpy पे पहले काम कर ले, क्योंकि data science, maths and data is important to go into machine learning. उसके लिए भी हम extra वो करेंगे, right? I hope I have answered your question, Fahad. Anything else? Do we have more questions? Most लोग बहुत सारे सवाल कोई नहीं कर रहा. We have 38 people on board with us. कुछ तो सवाल होंगे आप लोगों के. अब्दुल मोहिश को आवाज नहीं आ रही. I would suggest हाँ reconnect कर लें. आप reconnect कर लें. I guess we should wrap up क्योंकि सवाल आता ही नहीं लोगों के, लोगों को बहुत अच्छा समझ आ चुका है. I guess एक मिनट वेट कर लेते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो you can ask right now. Yeah. For silence, whatever. Just to remind you back guys के हम लोग YouTube चैनल भी बना चुके हैं, उसमें हमारी पहली वीडियो भी आ चुकी है. हम लोग बेसिकली चाह रहे हैं कि आप लोगों को प्रॉपर एक मोबाइल ऐप बनाना सिखाएं, तो उसमें फ्रंट एंड पे हम लोग चाह रहे हैं कि गूगल की टेक्नोलॉजी है फ्लटर, और बैक एंड में जो हमारे पास है दैट इज पाइथन. तो अब आपको दोनों चीजें आ जाएंगी, यू विल बी अ फुल स्टैक डेवलपर. और यू कैन ऑलरेडी लिंक्स पेस्ट कर दिया, YouTube और Facebook दोनों की लिंक्स हैं. आई वुड सजेस्ट यू गाइस गो एंड लाइक द पेज और YouTube पे सब्सक्राइब भी लेने, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं और आपको उसी वक्त ही मिल जाए. बिल्कुल, जो रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज की हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और होपफुली वो भी ग्रुप या पेज पे शेयर हो जाएंगी, ताकि आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? बियॉन्ड द क्वेश्चंस आप लोगों को लगी कैसे, दिस इज आवर सेकंड, आई थिंक सेकंड या फर्स्ट? या दिस इज सेकंड, सेकंड. All right, this is our second doc, so we are kind of new to this. Please let us know कि आपको पसंद है या next topics जो आप discuss करना चाहते हैं या आप बताना चाहते हैं, तो hopefully हम उस पर workshops वगैरह करेंगे. बिल्कुल, हमें feedback भी चाहिए कि अब कैसा चल रहा है. और I guess that's it. Right, we'll be wrapping up the presentation now. Thank you, Fahad. Okay, it would be great if you guys discuss roadmaps for skills too. Haan, yes, Amna, don't worry about it. Humne yahi plan hamara eventually hai ki bhai, for example, Sayed Atik ne ek team banayi hai Flutter at DSU. I guess aap usme hain bhi. Khair, Flutter at DSU, what we are trying to do right now is ki humne ek Flutter Karachi aur Flutter Islamabad se milke ek pura roadmap bana diya hai. कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल विजिट्स के क्या होते हैं फ्लटर में, फ्लटर में क्या चीज़ें बैकएंड से कैसे कनेक्ट करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट स्किल्स होती हैं, जो विद इन स्किल आपको सीखनी होती हैं, वो सारी चीज़ों का एक रोड मैप है. और होपफुली हम बूट कैंप्स में वो फॉलो करेंगे. उसके अलावा बूट के दूसरे जो बूट कैंप्स होंगे उसमें भी सिमिलरली यही इस किस्म का ही फॉलो किया जाएगा, रोड मैप्स बनाए जाएंगे, रोड मैप्स के साथ चला जाएगा, ताकि एटलीस्ट अगर इवन बंदा कोई नहीं भी बूट कैंप अटेंड करवाता, इवन एटलीस्ट दे नो दे हैव द रिसोर्सेज टू फॉलो द थिंग. यस, इफ यू वांट टू एनीथिंग. बाय द वे, वी हैव आवर डीन सर डॉक्टर जौहर ऑन बोर्ड विद अस. थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड अस्सलाम वालेकुम.
We are having the question answer series right now. The event is just about to end. Very happy to see you here, sir. Thank you. No problem. Carry on. Yeah. Right. Gani is asking if we want to know anything later, how can we contact you guys? Okay, Gani, so our first important thing is that you like page with template, like, right? Beyond this, we will do that we can create an create a Gmail account जहाँ पे आप हमें contact कर सकते हैं और एक वो hopefully उस पे वहाँ पे जब हमारा page है वहाँ पे ये चीज share की जाएंगी how can you contact us guys. अच्छा जो रोड मैप वाली बात की थी आपने तो हमने तरुण ने ये तो बता दिया आपको कि फ्लटर इस्लामाबाद से हमारी बातचीत चल रही है फ्लटर कराची से चल रही है और पाकिस्तान में एक वाहिद बंदा है हु इज़ द गूगल डेवलपर एक्सपर्ट इन फ्लटर टेक्नोलॉजी उनसे भी हमारी बातचीत हो गई है. हम लोग हमारा मेन फोकस हम सिलेबस कैसे बनाए रोड मैप हमारा मेन फोकस यही है क्योंकि देखें गूगल पे गूगल यूट्यूब पे वीडियोज बहुत सारी पड़ी हुई हैं लेकिन किसी को ये नहीं पता कि पहले मैं क्या सीखूँ पहले मैं क्या सीखूँ. तो आज हमारी फाइनल मीटिंग है सिलेबस डिसाइड करने की और जो हमारा जो सिलेबस है उसमें फ्लटर इस्लामाबाद और कराची के अलावा द ओनली गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हिज नेम इज़ वली दर्शद और उनसे भी हमने सिलेबस एडिट करवाया है. आज हम लोग फाइनलाइज करेंगे और 1 अक्टूबर से हम लोग 2 डे हॉलीडे वर्चुअल बूट कैंप रखेंगे और साथ साथ हम लोग आपको यूट्यूब पे वीडियोज भी डालेंगे और आपको होमवर्क भी देंगे कि यू शुड मेक दिस प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है बेसिकली कि प्रोजेक्ट जब इंसान करता है तो उसको ज़्यादा लर्निंग होती है एरर्स आते हैं बग्स आते हैं देन यू गूगल इट एंड देन यू ग्रो. Right, I guess that's about it. If you have further questions, and thank you very much, Amna. Thank you, sir, again. Yes, thank you, everyone, for coming. Bootcamps ke liye announcement wagera ho jayenge, and we'll definitely let you know more on it. Thank you, everyone, for coming. Thank you, sir, Johar, especially ki aap bhi aaye time nikal ke. Sir Salman nahi hai, I guess he has left the meeting. Thank you to him for letting us host this and unke initiative ke liye aur unki help ke liye throughout the event. Mohit, we have shared the link in the above chat, right? So above हमारा जो Facebook group भी है, Facebook page भी है. If you search Developer Student Club, तो आप वहाँ से reach out कर सकते हैं. And we have this YouTube channel too. So you can just search it out and ढूंढ सकते हैं अब. Right. With that, we end the meeting. Hopefully, you have liked the meeting, or hopefully, आप next sessions में भी आएंगे. Announcement for such new sessions will be shared with you agar aap page agar YouTube to like kar le. Thank you guys. Thank you everyone. Allah Hafiz. Have Allah Hafiz.